हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आज हम आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि नर्सरी से लाकर इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं। ये जो प्लांट है बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा प्लांट, ये सनशेजिया का प्लांट है और ये सेमी शेडी प्लांट है। आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो ये 4 से 5 फीट तक इसकी जो लेंथ है इतनी बढ़ती है, और अगर आप इसको ज़मीन पे लगा रहे हैं तो थोड़ा टॉल हो जाता है। तो हम तो इसको इसमें पॉट में लगा रहे हैं, तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग दिखाऊंगी कि पॉट में इसको कैसे लगाते हैं और इसका जो मिट्टी का कंपोजिशन है वो कितना कितना होना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको डालनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं सनशेजिया की। ये जो मैंने आपको प्लांट दिखाया है सनशेजिया का, ये काफ़ी खूबसूरत और ऑर्नामेंटल प्लांट है। हम बेसिकली इसको अपने ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज़ करते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। इस पर फ्लावरिंग भी होती है, फ्लावरिंग इस पर बेसिकली साल में एक बार होती है, जहाँ थोड़ा सा सीज़न इसका रेनी सीज़न के बाद इसमें फ्लावरिंग आती है। तो अभी तो इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं है क्योंकि सीज़न अभी समर सीज़न है। और ये जो है, ये हमने ना इसकी जो सॉइल है ये ना पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो इसमें सॉइल में जो जो मात्रा है वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको 1/4 तो गार्डन सॉइल लेनी है, 1/4 ही आपको सैंड लेना है, 1/4 आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आपने खाद बना रखी हो वो ले सकते हैं, नहीं तो काउडंग कंपोस्ट भी चल जाएगा। और डिकम्पोस्ट किया हुआ काउडंग होना चाहिए। और इसमें 1/4 आप कोकोपीट ले सकते हैं क्योंकि कोकोपीट भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। इसको मॉइस्चर ह्यूमिडिटी पसंद है। ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है इसकी, पानी का ध्यान देना है। पानी जब हम फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करते हैं तब इसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पानी देते हैं, लेकिन जब दोबारा हम इसको पानी देते हैं, जब 1 से 2 इंचज मिट्टी सूख जाए उसके बाद पानी देना। और बाकी आपको डेली, जैसे समर सीजन है तो डेली आपको स्प्रे करना है पानी का, हल्का एक स्प्रे बॉटल लेके अपने इंडोर प्लांट्स पे स्प्रे करना है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ज़्यादा सनलाइट में ये इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको इसको सेमी शेड में रखना है। आप टेरेस पे भी सेमी शेड में रख सकते हैं, विंडो के पास रख सकते हैं, बालकनी में आप इसको रख सकते हैं, जहाँ पर ना थोड़ी ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर आप इसको रखें। तो ये आप इसको ना बड़े पॉट में लगाएं, छोटे पॉट में ना लगाएं, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो थोड़ी बढ़ते हैं। ये प्लांट भी 5 से 6 फीट का, ये 4 से 5 फीट तक का ये बढ़ जाता है। इतना बड़ा इसका पॉट ले रखा है, ये 8 से 10 इंचज का पॉट होगा। इतना बड़ा पॉट आपको भी लेना है, ये प्लास्टिक का पॉट है। आप जैसा चाहो वैसा पॉट यूज़ कर सकते हैं, चाहे मिट्टी का, चीनी मिट्टी का, सीमेंटेड या फिर प्लास्टिक का। इंडोर रखना है इसको सेमी शेड में, इसलिए हमने ना प्लास्टिक का इसमें वो कर लिया। और वेल ड्रेन आपका पॉट होना चाहिए। अगर आपके पॉट में होल्स नहीं है तो आप होल कर सकते हैं। इसको हमने वेल ड्रेन करा है, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए पानी। अगर पानी होल्ड रहेगा तो इसकी जड़ें रूट रॉट हो जाएंगी, जिसमें फंगस लग जाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया है कि अगर जब भी आप प्लांट लगाएं तो प्लांट लगाने से पहले अपनी रूट्स पे हल्दी ज़रूर लगा लें। हल्दी से, अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी लगाएं। हल्दी से क्या होता है कि हल्दी से कोई भी जिसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होती है, उस पर फंगस नहीं लगता है। तो जहाँ पर भी मैंने इसके होल करें, ताकि होल से डायरेक्ट छन के मिट्टी ना जाए, उसके ऊपर ये पत्थर का टुकड़ा रख दिया है। इस तरीके से आप पॉट में पत्थर का टुकड़ा रख दे, ताकि सिर्फ पानी ड्रेन आउट हो, मिट्टी इसके साथ ना जाए। मैंने इसमें कोकोपीट भी मिला लिया है। अब मैं इस पॉट को भर लूँगी मिट्टी से। इसमें मैंने ये आधा भर लिया है अपने जो मिक्सचर बनाया था, और इसके ऊपर हल्दी भी थोड़ी स्प्रिंकल कर दी है। आपके पास फंजीसाइड होता है, फंजीसाइड भी स्प्रिंक कर सकते हैं। और इसकी जो रूट्स हैं उसके ऊपर भी, पेड़ की रूट्स के ऊपर भी लगा दिया है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर हल्दी तो सबके घर में होती है, अगर आपके पास नहीं है फंजीसाइड तो आप आराम से ये लगा सकते हैं। हल्दी भी उसी का काम करती है। तो अब इसको रखने के बाद हमने इसको कवर कर लेना है यहाँ तक। ये अब इसमें मिट्टी हमने डाल दी, अच्छे से कवर कर लेना है इसको। लगा दो
अब इसको मैंने मिट्टी से ना फिल कर दिया। इतना स्पेस आपको हमेशा छोड़ना है, ज़्यादा एकदम पूरा फिल नहीं करना है, इतना छोड़ना है ताकि हम पानी वानी भी देते हैं या फिर बाद में कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र। इसको साल में एक या दो बार आप इसमें लगा सकते हैं, फेब में या सेप्टेम्बर में साल में दो बार इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा स्पेस भी छोड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ज़्यादा फिल ओवर फिल हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाती है। तो इसको हमने फिल कर दिया, अब इसमें हम ना पानी लगा देंगे। फर्स्ट टाइम जब रिपोर्टिंग के बाद पानी लगाते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाना है, और आपका पॉट वेल ड्रेन है तो जो भी पानी है ना वो ड्रेन आउट हो जाता है एक्स्ट्रा पानी, बाकी जो पानी है वो मिट्टी होल्ड कर लेती है ताकि इसमें मॉइस्चर थोड़ा बना रहे। इसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत पसंद है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से आप इसके समर में इसके लीव्स पे इस तरीके से ना आप वाटर स्प्रे करके रखिए, नहीं तो क्या होता है ज़्यादा गर्मी में ना इसकी जो पत्तियाँ वो मुड़ने लगती हैं। जैसे ये थोड़ी सी मुड़ गई, इसको पानी नहीं मिला होगा, ये मुड़ने लगती हैं, लेकिन जैसे आप इसमें पानी लगाएंगे ना ये फिर से अपने जो पत्ती की शेप है फिर से रिगेन कर लेती है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है। अब इसमें हम पानी लगा देंगे। अब इसमें एक मग एक एंड हाफ मग के अराउंड इसका इतना पॉट भर जाए, इतना पानी इसको देना है, बस इतना पानी इसको देना। अभी पानी ना नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर आपके पॉट में से पानी ड्रेन आउट हो रहा है तो इसका मतलब आपका पॉट अच्छा है, वेल ड्रेन है। अगर पॉट में से पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसमें ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको होल करना पड़ेगा, नहीं तो ना पानी होल्ड रहा करेगा गमले में तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काफ़ी यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।